कैसे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कार डालना जी टी फाइव में। जी टी फाइव मोड में जाएंगे। मोड में जाने के बाद जी टी ए मोड खोलेंगे। उसके बाद व्हीकल में जाएंगे। व्हीकल में खोलने के बाद जहाँ तक आपको ये रखना है कि ऐड ऑन गाड़ी होनी चाहिए, मेन चीज़ ऐड होने वाली गाड़ी। जैसे कि हम कोई भी गाड़ी देखेंगे तो जहाँ पर लिखा होगा ना ऐड, मेन चीज़ वो सबसे सिंपल तरीका होता है ऐड करने का। जैसे कि हम लंबोगिनी ले लेंगे, लंबोगिनी एवेंटाडोर। इसमें आप ऊपर देख लेना कि यहाँ पे लिखा होगा ऐड। डाउनलोड हो जाएगा ये होने के बाद। फिर हम नेक्स्ट में डालेंगे मेन्यू। मेन्यू एक वैसा टूल है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है मेन्यू सर्च मारने के बाद। जैसे कि मैंने मेन्यू सर्च मारा, ये पहले आएगा मेन्यू पीस सिंगल ट्रेनर मोड। इसे हम क्लिक करने के बाद उसमें सीधे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने डाउनलोड पर लगा दिया है, ये डाउनलोड हो जाएगा मेन्यू पी सी। हाँ, जैसे कि हम ये डाउन करेंगे मेन्यू जिप में करना ज़्यादातर, ठीक है। जिप करने के बाद सेकंड टाइम फिर हम सर्च मारेंगे स्क्रिप्ट हुक वी, ठीक है। जैसे कि हम ये सर्च मारेंगे, मारने के बाद जैसे हम खोलेंगे इसको, ये खुल गया है। हम सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाले पे ट्रेनर, ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेंगे तो हमें अपडेट वर्जन करना, मेन चीज़ अपडेट वर्जन। जैसे अपडेट वर्जन है तो हम इसे कर लेंगे। यहाँ से हमें डाउनलोड कर लिया। उसके बाद सेकेंड टाइम में फिर हम दूसरा मारेंगे डॉट नेट। उसी के साथ में आपको लिख देना डॉट नेट, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर हम सबसे मेन चीज़ जो ऊपर आएगा कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक, इसे डाउनलोड कर लेंगे हम। जैसे कि ये फर्स्ट में आ गया है, इसे हम स्क्रिप्ट हुक ये जिप में कर लेंगे, जिप फाइल में। जैसे ही मैं डाउनलोड पर लगा दिया है, उसके बाद फिर तीसरा ओपन आई बी। हमें ये मेन चीज़ है जो हमें डाउनलोड करनी है, ठीक है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, ये डाउनलोड में लगा दिया, ये डाउनलोड हो रहा है, ये बाकी सारे हो चुके हैं। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये सब जो डाउनलोड हो चुका, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट होने के बाद ये सब को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि इनकी फाइल हो जाएगी सही से। दोस्तों देखो, पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आप अगर आप अपने जो आपका जो गेम है, मेन गेम है, उसको पहले से ना बैकअप फाइल बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको दोबारा चला सकते हो उसको चीज करके। अब जैसे कि मैंने, क्योंकि अब ये स्क्रिप्ट हुक है तो इसको मैं बेसिकली मेन्यू है, मेन्यू को मैं क्या करूँगा, मेन्यू का मेन्यू स्टफ एंड मेन्यू ISI, इसको मेन जो डेक GTA की फाइल है उसमें पेस्ट कर देना आराम से। इस करने के बाद इसके पेस्ट हो गया। होने के बाद फिर हम स्क्रिप्ट हुक में जाएंगे, इसको इसमें DL और थर्ड वाला हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद उसे मेन वाले में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। फिर थर्ड वाला हम करेंगे कॉपी, लास्ट वाला, हाँ ये वाला करेंगे। उसके बाद इसमें से हमें फर्स्ट सेकेंड ये DL जो डॉट है ना, इसको इन सबको कॉपी करना है। कॉपी करके मेन GTA में पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद जैसे कि हमें तीनों देख रहे हैं, आप इन तीनों को पेस्ट करना है। ये मैंने तो पैसे इन चीज़ों में डाल रखे, इसलिए ये रिप्लेस मांग रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक कार का फोल्डर खोला जिसमें कार है, इसमें एवेंटाडोर है ABS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ओपन आई वी पहले से कर रखा था, इसलिए मेन चीज़ ये है कि आपको ना क्या करना है
जैसे ये फोल्डर खुलेगा आपको GTA 5 में जाना है, GTA 5 का फोल्डर खोलना है, उसमें आपको जहाँ पे GTA 5 पड़ा है ना आपको उसी को ही फोल्डर को इसमें रखना है, ताकि ओपन फोल्डर आएगा तो आपको पूरी लिस्ट खुल जाती है उसके अंदर। तो मैंने पहले से कर रखा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है ओपन IV में, ठीक है। जैसे कि मैं एक ओपन IV खोलूँगा, तो जैसे कि देखा ना GTA 5, इसको आपको खोलना है जहाँ पे आपका मेन गेम पड़ा है ना, आपको वहाँ पे इसको फोल्डर को करना है। करने के बाद जैसे कि मोड, मेरे में एडिट मोड में जाना, ठीक है। एडिट मोड क्लिक करके उसके बाद मोड में जाना है आपको, मोड में जाना है, मोड ढूँढना, मोड में जाके फिर अपडेट, अपडेट RPF, कॉमन, डाटा, डाटा में जाके आपको DLC लिस्ट ढूँढनी है। जैसे कि ये आ गई DLC लिस्ट, तो आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे कर लेना। करने के बाद फिर इसको मिनिमाइज करके, अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैं इसका फोटो खोलूँगा तो रीडमी, इसको जो आप मेन चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे ना इसको पूरे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये आप जैसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद DLC लिस्ट में गया, एडिट में गया, एडिट में जाके आपको सेम टू सेम ऐसे ही रखना है, ताकि कोई फाइल इधर से उधर ना हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पेज कर दिया और सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैंने काट दिया। उसके बाद आपको करना है ओपन IV खोलना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ओपन IV खोलूँगा, खोलने के बाद एडिट में गया, दोबारा से एडिट में जाना है वो, ठीक है। जैसे आएगा तो इसे रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस होने के बाद DLC लिस्ट आ गया, इसको ओपन करना, ये रिप्लेस हो जाएगा और एडिट मोड पर डाल के काट देना है, ठीक है। काटने के बाद अब आपको ये जो AST वाला, जो AVS वाला, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपको GTA 5 के मेन फोल्डर में जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं मेन फोल्डर में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर यहाँ पर है, तो मैं मोड में जाऊँगा, ठीक है। मोड में गया, अपडेट, DLC लिस्ट, ठीक है। यहाँ मैं पेज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आप, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है ये। और वैसे ही फिर क्या करना है, जैसे मैंने गेम ओपन कर लिया, ठीक है। गेम ओपन करके जैसे मैंने मेन्यू F8 दबाना, तभी आपका मेन्यू इनपुट मोड में, जाके फिर आपको कार का नाम टाइप करना, और यहाँ सीधे कार आपकी आ जाएगी। कार आपके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी मैंने एवेंटाडोर डाली हुई है इसमें। I'll take you.
Like.